Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज के वीडियो का टॉपिक है FA Part 2 Psychology Paper of 2013 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्व ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस पेपर. सो आपके लिए रिमाइंडर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से रिलेटेड मिलती रहें. तो चलते हैं MCQs की तरफ. नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन का बेसिक कॉज क्या है? ऑप्शन ए इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ऑप्शन बी लैक ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मूड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ड्रग एडिक्शन के जो कॉजेज हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और यहाँ पे कोई बहुत प्रोमिनेंट कॉज जो है वो मेंशन नहीं है. यूजुअली ड्रग एडिक्शन फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से स्टार्ट होती है. जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जैसे कि ओवरऑल हम कह सकते हैं एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, या फिर उसके अंदर सुसाइडल आइडिएशन है, या फिर वो इस्केप चाह रहा है. सो ड्रग एडिक्शन वेरी करती है, उसके कॉजेज ओवरऑल वेरी करते हैं. तो यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज नन ऑफ दीज. नंबर टू, विच साइकोलॉजिस्ट डिक्लेयर दैट इंडिविजुअल इज बेसिकली ट्रस्टफुल एंड इंडिपेंडेंट. किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बात किया कि ह्यूमन या इंडिविजुअल ट्रस्टफुल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके अंदर पोटेंशियल होता है गुडनेस का, अपने आप को बेहतर बनाने का? ऑप्शन ए एलिस, ऑप्शन बी रॉजर्स, ऑप्शन सी फ्रॉइड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रॉजर्स. कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग भी ह्यूमन्स के अंदर इननेट एबिलिटी है टू बिकम मोर गुड और टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, ट्रस्टफुल, और उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं. सो रॉजर्स की थियोरी ह्यूमनिस्टिक थियोरी कहलाती है और ये ह्यूमन को एज अ गुड और पोटेंशियल ओवरऑल कंसिडर करते हैं. और अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक थियोरी ह्यूमन स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट, कि अपने आप को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं. नंबर थ्री, वट टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया हैज मैक्सिमम हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पैरानॉइड. पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया के अंदर हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स टॉप पे होती हैं, यानी कि ज़्यादा सिम्टम्स या मैक्सिमम लेवल जो होता है वो इसी टाइप के अंदर होता है, यानी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स सबसे ज़्यादा पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया में प्रेजेंट होती हैं. नंबर फोर, वट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट an individual wants to achieve two equally attractive goals but fails to do so. Option A double avoidance conflict, option B approach avoidance conflict, option C double approach conflict and option D multiple approach avoidance conflict. Statement ke accordingly jab ek individual decide nahi kar sak raha hota to equally attractive goals mein se kisi ek ko select karne mein, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहेंगे? इट्स बेसिकली डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है कि एक पर्सन के सामने ऐसा गोल होता है जो इक्वली अट्रैक्टिव उसकी क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर सक रहा होता और इसी कश्मकश या इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो रहता है. सो इस सिचुएशन को डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. नंबर फाइव, हेल्थ साइकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑप्शन ए बिहेवियर मेडिसिन, ऑप्शन बी क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन सी चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बिहेवियर मेडिसिन. बिहेवियर मेडिसिन बेसिकली बेस करती है ओवरऑल मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स को ये सेलेक्ट करती है और ओवरऑल उस पर वर्क करती है, जिसमें हम कह सकते हैं बायो साइको सोशल मॉडल, और ओवरऑल एनालाइज करती है कि मेंटल इलनेस की क्या कॉजेज हैं. लेकिन हेल्थ साइकोलॉजी अगर हम बात करें तो ये एक प्रोमिनेंट डिसिप्लिन है और ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और ओवरऑल कॉजेज को एनालाइज करती है. सो हम हेल्थ साइकोलॉजी को ओवरऑल एक डिसिप्लिन की तरह कैटेगराइज करते हैं, लेकिन बिहेवियर मेडिसिन जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. ठीक है. नंबर सिक्स,
which is the most important social institution in socialization process? It is family. Family को ही सबसे ज़्यादा important social institution कहा जाता है, क्योंकि यहीं से start होता है socialization का. तो आप overall अगर कहीं भी हम बात करेंगे, सबसे पहले family ही एक important factor होगी जो कि child के लिए socialization process start करता है, या overall child learn ही अपनी family से करता है. So द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या ओवरऑल हम इंस्टीट्यूशन की भी बात करेंगे तो वो फैमिली ही होगा. नंबर 7, इन विच काउंसलिंग टेक्निक आर वार्म क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप हाईली प्रमोटेड? ऑप्शन ए REBT, दैट स्टैंड्स फॉर रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी. ऑप्शन बी CCT, दैट स्टैंड्स फॉर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सन सेंटर्ड थेरेपी PCT. Option C, psychoanalysis, and option D, all of these. So the right option is option B, CCT. Client-centered therapy में overall stress दिया जाता है कि client और counselor का जो relationship है वो बहुत positive, बहुत warm होना चाहिए, ताकि client easily अपने problems को share कर सके और counselor जो है वो different coping strategies सिखा सके, ताकि day-to-day problems को deal out किया जा सके. Number 8, what kind of leadership can be of Queen Britain we call? Option A, nominal. Option B, democratic. Option C, authoritarian. And option D, bureaucratic. The right option is option A, nominal leadership style. Nominal leadership style के अंदर overall position तो assign होती है, लेकिन एक person जो है वो particular roles या responsibilities perform नहीं करता उस leadership के अंदर. जैसे कि हम कह सकते हैं कि Queen Elizabeth है, overall उनका नाम तो है शी इज़ अ क्वीन, बट अगर हम लीडरशिप स्टाइल की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो वो स्टेट अफेयर में 100% मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ये ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स जो हैं वो असाइन नहीं होते. नंबर 9, हाउ मैनी लेवल्स हैव बीन डिस्क्राइब इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, option C 2, and option D 7. The right option is option A 3. There are three stages of moral development that are known as pre-conventional, conventional, and post-conventional morality. Number 10, which process continues till the last breath of individual? Option A, growth. Option B, maturation. Option C, development, and option D, all of these. The right option is option C, development. Number 11, which institution initiates the formation of public opinion? Overall, हमने पढ़ा है कि socialization के लिए जो main factor होता है वो family होता है. इसी तरह जो public opinion form होते हैं उसके लिए जो top priority है, जो कि important role जो organization play करती है, वो basically family है. क्योंकि फैमिली क्योंकि फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सो इस लिहाज से फैमिली ही पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है. नंबर 12, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू इरेडिकेट रेशियल प्रेजुडिस? रेशियल प्रेजुडिस को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक क्या है? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी कॉम्बैट, ऑप्शन सी सिक्योरिटी, एंड ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट एंड कॉपरेशन. The right option is option D, contact and cooperation के ज़रिए ही racial prejudice को reduce किया जा सकता है, क्योंकि due to contact and cooperation जो different races के individuals हैं या members हैं, जब वो actively participate करेंगे किसी भी certain task में या overall interact करेंगे, तो they would realize कि there is no such big difference between them, जिसकी वजह से उनका प्रेजुडिस जो है वो रिड्यूस होगा. सो कॉन्टैक्ट एंड कॉपरेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू रिड्यूस और टू इरेडिकेट रेशियल प्रेजुडिस. नंबर 13, वायलेंस एंड अग्रेशन आर सिमिलर टर्म्स बट डिफरेंट इन? ऑप्शन ए पर्पस, ऑप्शन बी इंटेंसिटी, ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन डी सोर्सेज. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पर्पस. ओवरऑल अगर हम वायलेंस एंड अग्रेशन की बात करें, तो वायलेंस एंड अग्रेशन बेसिकली सिमिलर टर्म्स हैं, और वायलेंस सब टाइप है
एग्रेशन की, लेकिन वायलेंस में एक पर्सन का पर्पस जो होता है दूसरे बंदे को किल करना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाना होता है। लेकिन अगर हम एग्रेशन की बात करेंगे, एक सिंपल एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, लेकिन वायलेंस के अंदर आपकी इंटेंशन होती है दूसरे को बहुत ज़्यादा इंटेंस हार्म प्रोवाइड करने की या हार्म देने की। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पर्पस। नंबर 14, हु इज द मैक्सिमम विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? ऑप्शन ए वुमेन, ऑप्शन बी मेन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी चिल्ड्रन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वुमेन। नंबर 15, स्मोकिंग इज एन और अ, ऑप्शन ए एडिक्शन, ऑप्शन बी डिजीज, ऑप्शन सी हॉबी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। स्मोकिंग इज एन एडिक्शन, इट इज नॉट एन हैबिट। नंबर 16, विच डिसऑर्डर मोस्टली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस? ऑप्शन ए फोबिया, ऑप्शन बी ऑब्सेशन, ऑप्शन सी कंपल्सिव रिएक्शन, ऑप्शन डी एंजाइटी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फोबिया। अगर हम ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव रिएक्शन ऑप्शंस की बात करें तो दीज आर नॉट डिसऑर्डर्स, और एंजाइटी तो अलग से क्लस्टर है। सो ओवरऑल अगर हम स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें फोबिया है जो कि ओवरऑल स्ट्रेस की वजह से कॉज होता है। नंबर 17, हु इंट्रोड्यूस द सोशल डिस्टेंस स्केल? ऑप्शन ए बोगार्डिस, ऑप्शन बी लिकेट, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, एंड ऑप्शन डी थर्स्टन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बोगार्डिस। नंबर 18, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड वोकेशन इज द कंसर्न ऑफ ऑप्शन ए काउंसलिंग, ऑप्शन बी गाइडेंस, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी साइकोथेरेपी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड वोकेशन। नंबर 19, विच सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू मोरालिटी? सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी हमने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, दैट इज इट ईगो एंड सुपर ईगो, और मोरालिटी पे बेस करता है सुपर ईगो जो ओवरऑल मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज सिखाता है एक इंडिविजुअल को। नंबर 20, इन विच काउंसलिंग टेक्निक वॉज द एबीसी मॉडल इंट्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए साइको एनालिसिस, ऑप्शन बी ह्यूमनिस्टिक टेक्निक, ऑप्शन सी क्लाइंट सेंटर्ड टेक्निक, ऑप्शन डी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट इज ऑल्सो नोन एज REBT। और एबीसी मॉडल के अंदर ABC, A stands for activating event, B stands for believe, and C stands for consequences. So according to Albert Ellis, जो कि founder था REBT behavior technique के, according to him, जब भी कोई situation आती है जो कि problematic है, उस लिहाज से ही एक individual अपना belief बना देता है। For example, एक situation है जिसमें एक individual का friend उसके साथ बिहेवियर जो है वो प्रॉपर नहीं रखता, सो वहाँ से वो बिलीव फॉर्म कर देता है कि माई फ्रेंड इज़ रूड या माई फेलो इज़ रूड। सो बी स्टैंड्स फॉर बिलीव, एंड बिलीव क्या बन गया है? दैट ही इज़ रूड। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो नेक्स्ट टाइम जो है उसके साथ थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा या ओवरऑल उसके साथ अच्छी इंटरेक्शन नहीं रखेगा। इसी तरह इरेशनल थिंकिंग की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो भी एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, यानी प्रॉब्लमेटिक इवेंट होता है या स्ट्रेसफुल होता है जो कि उसी से रिलेट करके एक क्लाइंट अपने बिलीव्स फॉर्म करता है और उसके साथ साथ अपने कॉन्सिक्वेंसेस या अपने बिहेवियर्स भी मॉडिफाई कर देता है। सो REBT में ओवरऑल एनालाइज किया जाता है कि इरेशनल थिंकिंग पैटर्न्स कौन से थे और उनको रैशनल थिंकिंग पैटर्न्स में चेंज किया जाता है ताकि क्लाइंट जो है वो अपने बिलीव्स को चेंज कर सके और साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, यानी बिहेवियर्स भी चेंज हो सके। सो दैट्स इट्स फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे
stay calm, stay positive, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.